अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारी किचन में पंजाब की एक ट्रेडिशनल रेसिपी बन रही है, मसाले वाली रोटी या मिस्सी रोटी आज हम बनाएंगे। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे उनमें सबसे पहले आटा चाहिए, कोई भी आटा जो घर में आप यूज़ करते हैं। मेरे घर में गेहूं का आटा यूज़ होता है, चक्की का पिसा हुआ तो मैंने वो लिया है। एक कप बेसन हमें चाहिए होगा, 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली जो मिर्चें हैं वो यूज़ कीजिएगा, जिन्हें बारीक काटा हुआ है। 1/4 कप ऑयल हमें चाहिए होगा, 1/2 किलो मेथी ली जिसे साफ़ किया और काट लिया, और इसी के अंदर एक मुट्ठी भर के हरा धनिया लिया है वो भी काटा हुआ है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक काटा हुआ है, जितना भी बारीक मैक्सिमम काट सकते हैं काट लीजिए। और मसालों में हमें 1 टेबलस्पून भर के अनारदाना चाहिए, 1 टेबलस्पून ही कोरिएंडर सीड्स हैं, धनिया, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च ली है, क्रश रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी पाउडर हमें चाहिए ये 1 टीस्पून है, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, और गरम मसाला 1 टीस्पून है, और पानी हमें चाहिए होगा इसके लिए, आटे को गूंदने के लिए। आटे को गूंदने के लिए मैं ये डो मेकर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप हाथों से जिस तरह रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंद सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आटा डाल दूंगी, 1 कप आटा डाल दिया है, और साथ ही इसके अंदर 1 कप बेसन जाएगा। ऑयल भी डाल देंगे, 1/4 कप था, हरी मिर्चें, सब मसाले, प्याज जाएगी इसके अंदर, मेथी भी डाल देंगे। पानी डालकर इस आटे को गूंद लेना है, सख्त आटे की तरह गूंदना है इसे। डो हमारी गूंद गई है और इसे हार्ड डो गूंदना है, क्योंकि सब्जियां हैं, प्याज है, इन सब का पानी निकलेगा और आटा सॉफ्ट हो जाएगा बाद में। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करी हूं और हम इसे रेस्ट दे देंगे 1/2 घंटे के लिए। और अब टाइम आ गया है रोटी को पकाए जाने का, बेल लिया है मैंने रोटी को और इसको तवे पे डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसी आटे को तंदूर पे भिजवा के तंदूर से भी रोटियां लगवा सकते हैं, या फिर ऐसे तवे पे सिंपल सेक लीजिए। ऑयल थोड़ा ब्रश करेंगे, पेड़े बनाते हुए ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा गूंदते हुए हमने ऑयल डाला था। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे और दोनों तरफ से इसे सेक लेना है, और अच्छी तरह दोनों तरफ पकने तक रोटी को हमें सेक लेना है। बहुत अच्छी लगती है ये आजकल विंटर्स में। दोनों तरफ से रोटी को सेक लिया है और अब इसको मैं तवे से हटा लूँगी। और हमारी मिस्सी रोटी पक के रेडी हो गई है, चाहे तो इसे देसी घी के साथ या बटर के साथ ग्रीस कर सकते हैं। साथ लस्सी लीजिए पेड़े वाली और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को, ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में कोई और रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।